KNNs. आज की इस कॉन्फ्रेंस का मकसद मंशियात की मौजूदा सूरत हाल और उस पर एंटी नारकोटिक्स फोर्स के मौकफ से आपको इत्माद में लेना है। जैसा कि आपके इल्म में है कि पिछले चंद सालों में पाकिस्तान में मंशियात के इस्तेमाल, स्मगलिंग और केसेस में इजाफा हुआ। मंशियात की बढ़ती हुई लहर हमारे माशरे के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है, जिसके मुतासरीन में बड़ी तादाद हमारे नौजवानों की है। इसलिए ज़रूरी है कि इन मामलात पर बात की जाए। जुग्राफियाई तौर पर पाकिस्तान मंशियात के इस्तेमाल होने वाले रिवायती रास्तों के मदार में है। बजरिया मगरबी सरहदी बॉर्डर गैर कानूनी नकलो हमल के दौरान मंशियात स्मगल की जाने की वजह से पाकिस्तान ना सिर्फ एक ट्रांजिट रूट है बल्कि मंशियात के फैलाव से शदीद मुतासर है। ये हमारे लिए दोहरा चैलेंज है, फैलाव से शदीद मुतासर है। ये हमारे लिए दोहरा चैलेंज है। गुज़श्ता कुछ अरसे के दौरान हमारे पड़ोसी मुल्क में पोस्त की काश्त में कमी आई है, वहीं सिंथेटिक ड्रग्स की पैदावार में इंतहाई गैर मामूली इजाफा हुआ। पाकिस्तान 2001 से मंशियात की काश्त से पाक मुल्क के तौर पर अपना स्टेटस बरकरार रखे हुए है, लेकिन आज भी ANF को खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के कुछ इलाकों में पोस्त की काश्त को रोकने के लिए सालाना बुनियादों पर दूसरे इदारों के साथ मिलकर मरबूत कोशिशें करना पड़ती हैं। रमा साल इस नौयत की मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 1115 एकड़ रकबे पर पोस्त की काश्त का खात्मा किया गया और 3 स्टोरेज फैसिलिटीज भी खत्म की गई। ANF और दीगर अदारों को की इस मुहिम को मनज़म प्रोपेगेंडा का शिकार बनाने की कोशिश की गई और फोर्सेस को भारी मुजामत का सामना करना पड़ा। मंशियात के बढ़ते रुझान के पेश नजर इसकी रसद और गैर कानूनी नकलो हरकत में खातर का इजाफा हुआ है। मंशियात के कारोबार और स्मगलिंग में खवातीन और बच्चों का बतौर आलाकार इस्तेमाल होना समाजी, इखलाकी, मुआशी और मुआशरती निज़ाम के लिए एक संगीन खतरा है। मुल्क दुश्मन अनासर इस घिनौने खेल में ना सिर्फ कॉलेज यूनिवर्सिटी बल्कि स्कूल के तलबा को बतौर हथियार इस्तेमाल कर रहे हैं। तालीम या रोजगार की गर्ज से बैरून मुल्क जाने वाले नौजवानों की एक काबिल जिक्र तादाद भी बैरून मुल्क मंशियात ले जाने में मुलव्वस है, जिसकी वजह से ना सिर्फ बैनुल अक़वामी सतह पर बल्कि सफारती सतह पर हमारे तअल्लुकात मुतासर हो रहे हैं, बल्कि मुल्की साख को भी शदीद नुकसान पहुंच रहा है। मौजूद ख़वातीन हज़रात, इंसदादे मंशियात के सिलसिला में 2024 में होने वाले ऑपरेशंस का अगर जायजा लिया जाए तो इस साल मजमूई तौर पर ANF में मंशियात के स्मगलर्स के खिलाफ छोटी बड़ी कार्रवाइयों के दौरान 1,13,798 किलोग्राम मंशियात बरामद की, जिनकी मजमूई मालियत बैनुल अक़वामी मार्केट में करीब 6.5 अरब डॉलर। इन कार्रवाइयों के दौरान 1,406 गिरफ्तारियां अमल में लाई गईं, जिनमें 116 खवातीन और 44 गैर मुल्की बाशिंदे शामिल हैं। जबकि मंशियात के खिलाफ इस जंग में ANF के 3 बहादुर जवानों ने अपनी जानों का नजराना पेश किया और बड़ी तादाद में ANF के जवान जख्मी भी हुए। रमा साल ANF के जेर इंतजाम 7 रिहैबिलिटेशन सेंटर से 2031 नशे से मुतासर अफराद का इलाज किया गया, जो सेहत याब होकर मुआशरे में मुस्बत और सेहतमंद जिंदगी गुजार रहे हैं। मौजूदा साल मंशियात के खिलाफ अवामी आगाही मुहिम के सिलसिले में मुल्क भर के स्कूलों, कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों में 5,500 से ज्यादा आगाही सेशंस का इनेकाद किया गया। एंटी नारकोटिक्स फोर्स की तरफ से की जाने वाली चंद हालिया बड़ी कार्रवाइयों का तज़किरा यहाँ जरूरी है।
ताकि आपको मौजूदा सूरतेहाल की संगीनी और इससे निपटने के लिए ANF के किए जाने वाले इकदामात से आगाही हासिल हो। 4 अगस्त को लाहौर में कोर्ट अब्दुल मालिक टॉल प्लाजा के करीब 88 किलोग्राम चर्स और 34 किलोग्राम अफ्यून बरामद की गई। 6 अगस्त को पेशावर में नॉर्दर्न बाईपास के करीब कार्रवाई के दौरान 52 किलोग्राम अफ्यून और 61 किलोग्राम चर्स बरामद की गई। 10 अगस्त को कराची में एक कार्रवाई के दौरान 30 किलोग्राम आइस बरामद की गई। 15 अगस्त को कोयटा में एक कार्रवाई के दौरान 24 किलोग्राम चर्स और आइस बरामद की गई। 14 अगस्त को हब के करीब एक कार्रवाई के दौरान 40 किलोग्राम चर्स और 14 किलोग्राम आइस बरामद की गई। 19 अगस्त को सियालकोट के करीब एक कार्रवाई के दौरान 10 किलोग्राम अफ्यून, 10 किलोग्राम चर्स और असलाह भी बरामद किया गया। कार्रवाई के दौरान ANF की टीम पर फायरिंग भी की गई। 20 अगस्त को इस्लामाबाद के करीब कार्रवाई के दौरान 14 किलोग्राम अफ्यून और 45 किलोग्राम चर्स बरामद की गई। 24 अगस्त को चमन के करीब एक कार्रवाई के दौरान 52 किलोग्राम हेरोइन और 51 किलोग्राम मार्फिन बरामद की गई। 28 अगस्त को गुजरांवाला में कार्रवाई के दौरान तकरीबन 49 किलोग्राम चर्स और 164 किलोग्राम अफ्यून बरामद की गई। 4 सितंबर को मोटरवे टॉल प्लाजा इस्लामाबाद के करीब कार्रवाई के दौरान तकरीबन 17 किलोग्राम अफ्यून और 13 किलोग्राम चर्स बरामद की गई। मौजूद खवातीनों हजरात, इस तशवीशनाक सूरत हाल से मौसर तौर पर निपटने के लिए ANF हमा वक्त मंशियात के खिलाफ कार्रवाइयों में बरसरे पैकार है। यहां यह बताता चलूं कि मुल्क से मंशियात का खात्मा, बिलखसूस तालीमी इदारों में मंशियात के फैलाव को रोकना ANF की अव्वलीन तरजीह है। मंशियात के कारोबार से हासिल होने वाला पैसा दीगर संगीन और मुनज्जम जराइम में भी इस्तेमाल हो रहा है, जिसके नतीजे में इनमें इजाफा देखा गया है। ANF की जानब से पिछले 5 सालों के दौरान पड़ोसी मुल्क में तैयार करदा आइस की जब्तगी में 12 गुना इजाफा हुआ है, जो कि 2017 में 2.5 टन से बढ़कर 2023 में तकरीबन 30 टन तक पहुंच गई है। इस सूरत हाल में कौमी सतह पर मंशियात के खिलाफ मुकम्मल यकसुई और नए जज्बे से भरपूर कार्रवाइयां नागजीर हो चुकी हैं। हुकूमत पाकिस्तान की खसूसी हदायत की रोशनी में ANF कानून नाफज करने वाले दीगर अदारों के साथ मिलकर मरबूत मुहिम शुरू करने जा रही है। आए मिलकर मंशियात के तबाह कुन असरात के बारे में आगाही फैलाएं और तालीमी इदारों में इनके इस्तेमाल को रोकने की कोशिश करें। अपने तुलबा को मंशियात के खिलाफ दस्ते रास्त बनाएं और समाजी इसलाह की शुरुआत करें। मजीद बरा मंशियात से मुतासर अफराद के लिए एक साजगार माहौल तैयार करें। ANF की जानब से सिर्फ अगस्त के महीने में की जाने वाली चंद अहम कार्रवाइयों का तस्करा करता चलूं। 12 अगस्त को ग्वादर में मकरान कोस्टल हाईवे के करीब एक कार्रवाई के दौरान 5.4 किलोग्राम वीड बरामद की गई। बरामद की गई मंशियात पार्टी ड्रग के तौर पर जानी जाती है, जो कि ना सिर्फ तालीमी इदारों बल्कि बैरून मुल्क भी स्मगल की जाना थी। 15 अगस्त को लाहौर की एक यूनिवर्सिटी के करीब एक खातून को गिरफ्तार किया गया और आइस बरामद की गई। 16 अगस्त को नशहरा के एक तालीमी इदारे के करीब कार्रवाई के दौरान हेरोइन, आइस और अफ्यून के पैकेट बरामद किए गए। 17 अगस्त को लाहौर भी शामिल है। 20 अगस्त को रावलपिंडी के एक निजी अस्पताल के करीब कार्रवाई के दौरान आइस बरामद की गई। मुलजम यूनिवर्सिटी और हॉस्टल्स के तलबा को ऑनलाइन मंशियात फरोख्त करने में मुलव्वस था। 20 अगस्त को कराची में एक यूनिवर्सिटी के करीब कार्रवाई के दौरान चर्स बरामद की गई। मुलजम करीबी तालीमी इदारों में मंशियात की तरसील में मुलव्वस था। 27 अगस्त को कार्रवाई के दौरान पेशावर की एक निजी यूनिवर्सिटी से आइस और नशावर गोलियां एक्सटेसी बरामद की गईं। मुलजम तलबा को मंशियात फराहम कर रहा था। 30 अगस्त को पेशावर में एक यूनिवर्सिटी के करीब कार्रवाई के दौरान चर्स बरामद की गई। मुलजम गिरदोनवा के हॉस्टल्स में मंशियात की सप्लाई में मुलव्वस था। 5 सितंबर को कोयटा में यूनिवर्सिटी के करीब कार्रवाई के दौरान आइस और नशावर गोलियां एक्सटेसी बरामद की गईं। मुलजम तलबा को मंशियात फराहम करने में मुलव्वस था।
मौजूद खवातीन हजरात, इन कार्रवाइयों के नतीजे में गिरफ्तार किए जाने वाले मुल्जमान के तालीमी अदारों में मंशियात फरोशों के साथ मुलव्वस होने के शबाहत सामने आए हैं। रवा साल तालीमी अदारों और गिरदोनवा में मंशियात से मुतलका 84 कार्रवाइयां की जा चुकी हैं। ड्रग माफिया की जानब से इस घिनौने खेल में तलबा और तालीमी इदारों को बतौर आयलाकार इस्तेमाल करना हमारे मुस्तकबिल के साथ खेलने के मुतरादिफ है। हुकूमत पाकिस्तान और तमाम स्टेक होल्डर्स की अवलीन तरजीह है कि शाना बशाना इस मसले का मुकाबला किया जाए। आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का अवलीन मकसद इस बात का बाजाबता ऐलान है कि ANF ने दीगर तमाम मुतलका अदारों से मिलकर तालीमी अदारों से मंशियात के खात्मे के लिए डायरेक्टर ANF इस वक्त एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उनकी गुफ्तगू आपने मुलाहजा की, उन्होंने कहा कि सिंथेटिक ड्रग्स में बहुत ज्यादा इजाफा हो रहा है। ये ड्रग्स जो स्टूडेंट्स दूसरे ममालिक में पढ़ने जाते हैं उनके जरिए दूसरे ममालिक भेजी जाती है, जिससे न सिर्फ मुल्क की साख को नुकसान पहुंचता है बल्कि उन बच्चों की जिंदगियां भी तबाह हो रही होती हैं। वक्त हो गया ब्रेक।